नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश की राजधानी को वैसे तो झीलों की राजधानी कहा जाता है, लेकिन ये झीलों की राजधानी में इस समय फलों का राजा कहे जाने वाली आम की खुशबू महक रही है। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट में नाबार्ड द्वारा 4 दिवसीय आम फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग आम के जो उत्पादन हैं उनकी स्टॉल लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जिन पर लोगों की भीड़ है वो उमड़ रही है। इन दिनों भोपाल में यानी झीलों के शहर में आम की जो सुगंध है उससे जो बाजार है वो महकता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कई प्रकार के जो आम हैं वो आए हैं। सुंदराजा आई है जिसको GI टैग मिल चुका है। रीवा, सतना, बालाघाट के जो आम हैं यहाँ पर लोगों की आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भोपाल के जो लोग हैं वो आम की खरीदारी करने के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। तरह तरह के आमों की यहाँ पर डिमांड है और जो आम है यहाँ पर बिकने के लिए आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? छिंदवाड़ा मोकर ब्लॉक से। अच्छा, कैसा आम है आपका, किस तरह का आम है? सर ये लंगड़ा और दशहरी है हमारे पास। क्या रुपये किलो बिक रहा है? 100 से 150 रुपये किलो। अच्छा, ग्राहक पसंद कर रहे हैं आपके आम को? हाँ सर। कैसा होता है, मतलब चूस के खाने वाला है या काट के खाने? दशहरी की बात करें तो ये चूस के खाने वाला है और ये सबसे ज़्यादा बच्चे इसको पसंद करते हैं। और इसके अलावा लंगड़ा की बात करें तो ये जैविक तरीके से उगाया जाता है ना, इसलिए इसमें विटामिन की मात्रा जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो लंगड़ा और तोतापरी आम लेकर छिंदवाड़ा से यहाँ पर आए हैं। GI टैग वाले आम भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं वो इन आमों को खासा पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलीराजपुर का ये आम है जिसमें 60 टन आम सिर्फ अलीराजपुर से ही आए हैं और यहाँ पर जो आम है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बात करना चाहूँगा, एक आकर्षण का केंद्र वाला आम आप लेकर आए हैं जो जिसका वजन काफ़ी ज़्यादा है, क्या बोलते हैं आम को? इस आम को नूरजहाँ। अच्छा, नूरजहाँ कितने किलो का होता है वैसे? ये 100 किलो का है, ये 3.5 से 3 किलो 3.5 किलो तक हो जाता है। अच्छा, बिक रहा है नूरजहाँ यहाँ पर? हाँ, ये मिल नहीं रहा है, ये तो सर ने मतलब ऑर्डर दे रखा था इसलिए मंगाया था। 81 रुपये की नग। हाँ, ये नहीं मिल रहा है। मिल नहीं रहा है? हाँ। क्यों? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 ही पेड़ बचे, उसके एक पेड़ पे 15 से 16 आम लगे, हवा के कारण सब गिर गए, तो मात्र यही बचा है। तो आपके आम को डाक टिकट भी जारी हुआ है? कैसे डाक टिकट, मतलब GI टैग है आपके आम को? हाँ, GI टैग है। GI टैग मिला है? हाँ। ठीक है, तो रिस्पांस मिल रहा है ग्राहकों का? मिल रहा है। अच्छा, ये 2200 से 2500 तक ये जा रहा है। कितने टन आम लेके आए थे भोपाल? भोपाल नूरजहाँ ये 60 क्विंटल लेके आए थे। 60 टन? हाँ, 60 क्विंटल। बिक गया। अच्छा, तो भोपाल का जो ये आम महोत्सव है इसमें नूरजहाँ आम की बहार है। नूरजहाँ आम संभवतः 1.25 किलो से शुरू होता है जो 3 किलो तक जाता है। दुकानदार का कहना है कि इसका स्टॉक खत्म हो गया है, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए इसको यहाँ पर रखा गया है। भोपाल के जो लोग हैं वो इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और जो लोग हैं, लोगों में इसकी जो डिमांड है वो खासी देखने को मिल रही है। लोग हैं खरीदारी करने आए हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करूँगा। आम की खरीदारी करने आए, आम महोत्सव लग रहा है? हाँ जी, आम की खरीदारी करने आए। अच्छा, कैसा लग रहा है? तरह तरह के आम यहाँ पर आए हैं, अलग अलग। अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे अच्छे नई नई तरह की वेराइटीज़ आई हैं। और रूरल लोगों को डेवलप कर रहे हैं, बाहर के आम आए हैं तो अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है। आपकी खरीदारी करने आए नूरजहाँ आम से? हम आए थे नूरजहाँ आम देखने, पता पड़ा कि अधिकारी खा गए, तो कोई मतलब नहीं रहा देखने का। हाँ, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए रखा है, एक आम बचाने के लिए। जो कहाँ है नूरजहाँ, नहीं है ना, अलीराजपुर के स्टॉल पर है। है, अब उसको देखने जा रहा है, हमको ये बताया कि अधिकारी खा गए, 4 आम आए थे। हाँ, तो जनता है, पब्लिक है और भोपाल में आम की खरीदारी करने के लिए उमड़ी है। तो भोपाल का जो बिट्टन मार्केट है वो इस समय आम की सुगंध से महक रहा है। 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। 11 जिलों के जो किसान हैं वो तरह तरह के आम लेकर भोपाल पहुँचे हैं और भोपालवासी भी इस आम की खरीदारी करने के लिए यहाँ का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।